हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इट्स टर्न टू रीड द चैप्टर नंबर 15 विच इज ए शॉर्ट पोयम द परफेक्ट लाइफ। द परफेक्ट लाइफ मीन्स संपूर्ण जीवन, यानी के जिसमें सभी खूबियां हो ऐसा जीवन, यानी के ये हम पोयम पढ़ने जा रहे हैं। दिस पोयम्स बाय द फेमस इंग्लिश ड्रामेटिस्ट एंड पोएट बेन जॉनसन कन्वे द आइडिया दैट ए लाइफ विच इज शॉर्ट बट फुल ऑफ ब्यूटी इज फार बेटर देन वन विच इज लॉन्ग एंड अनइवेंटफुल। देखिए, ये एक कविता जो है एक अंग्रेजी नाटककार और कवि बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने ये विचार जो है प्रकट किया है कि ऐसा जीवन जो छोटा है लेकिन फुल ऑफ ब्यूटी और खूबसूरती से भरा हुआ है वो कहीं ज़्यादा बढ़िया है देन वन विच इज लॉन्ग एंड अनइवेंटफुल। एक लंबे और जो नीरस है ऐसे जीवन की अपेक्षा, जो छोटा जीवन है वो बहुत अच्छा जीवन होता है। मैन शुड नॉट ग्रो अप लाइक एन ओक, आदमी को जो है एक ओक के पेड़ की तरह जो है वो नहीं होना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, बट ही शुड लिव लाइक ए लिली फ्लावर। जबकि उसको जो है एक लिली जो है एक कुमुदनी का फूल होता है जिसकी शॉर्ट लाइफ होती है उसकी तरह जीना चाहिए। हिज एम शुड बी अटेन परफेक्शन, और उसका जो जीवन का जो उद्देश्य है वो परफेक्शन मतलब संपूर्णता प्राप्त करना होना चाहिए। एंड डिफ्यूज हिज फ्रेग्रेंस फार एंड वाइड, और अपनी जो सुगंध है उसको दूर दूर तक बिखेरना होना चाहिए। तो ये कवि के द्वारा जो है लिखी एक खूबसूरत पोयम द परफेक्ट लाइफ आप पढ़ेंगे। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, मनुष्य को या किसी को भी एक पेड़ की तरह जो है नहीं बढ़ना चाहिए। इन बल्क, बल्क का मतलब होता है साइज, साइज में एक पेड़ की तरह बड़ा नहीं होना चाहिए। डथ मेक मैन बेटर भी, डथ का मतलब होता है बेटा कार्य, कार्य जो है आदमी को बड़ा बना सकता है। और स्टैंडिंग एज एन ओक, एक बलूत के पेड़ की तरह खड़े रहना 300 सालों तक, टू फॉल ए लॉग्स एट लास्ट, और अंत में एक लट्ठा बन के गिरना, ड्राई बाल्ड एंड सियर, ड्राई माने सूख करके, बाल्ड माने पत्तों रहित मतलब बिल्कुल होकर के, एंड सियर, सियर का मतलब मुरझा करके, और अंत में जो है सूख करके और पत्तों रहित होकर के और मुरझा करके जो है एक लट्ठा बन के गिरना, ये कहीं बढ़िया नहीं है। इसके अलावा कवि एक छोटे से पेड़ जो कि लिली का है उसका उदाहरण देते हुए समझाते हैं। अ लिली ऑफ अ डे इज फेयर फार इन मे, देखिए एक लिली एक ही दिन का फूल होता है, एक ही दिन का जो है वो पौधा है, इज फेयर फार इन मे, और मई के महीने में ये बहुत अधिक चमकता है। ऑल्दो इट्स फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि ये उसी रात्रि को गिर जाता है और मर जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर्स उ लाइट, लेकिन ये एक ऐसा पौधा है एक फूल है जिसको लाइट का प्रतीक माना गया है, जिसको लाइट का प्रतीक माना गया है। इन शॉर्ट प्रोपोर्शन, देखिए शॉर्ट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब होता है बेटा रेशियो, भाग, एक छोटे से भाग में भी, एक रेशो में भी, वी जस्ट ब्यूटी सी, हम खूबसूरती को देख सकते हैं, निहार सकते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ, शॉर्ट मेजर्स का मतलब होता है ड्यूरेशन, एंड इन शॉर्ट मेजर्स एक छोटी सी ड्यूरेशन में भी जो है लाइफ में परफेक्ट भी एक जीवन जो है वो संपूर्ण बन सकता है। कवि इस छोटी सी कविता के जरिए ये संदेश देना चाहता है कि लंबा और एक अधिक आयु तक जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है, जबकि एक छोटा जीवन भी जो है एक अच्छी जिंदगी और दूसरों के लिए मिसाल बन सकता है।
तो ये थी जॉन बेंसन बेन जॉनसन सॉरी बेन जॉनसन के द्वारा लिखी हुई एक खूबसूरत पोयम जिसका टाइटल है परफेक्ट लाइफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।